आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बता दें, मुरादनगर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने गांव सैतली में स्थित एक फार्म हाउस में कांवड़ यात्रा को लेकर शहर व गांव के सभी सम्मानित लोगों को शांति समिति की सभा आयोजित की गई। सभा में SDM मोदीनगर, DCP DP सिंह, विद्युत विभाग के विद्युत व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए कहा गया। इसी दौरान सभा में उपस्थित लोगों ने पाइपलाइन मार्ग को गड्ढा मुक्त कराने व लाइट की व्यवस्था की मांग की है। पाइपलाइन मार्ग से लाखों की संख्या में कांवड़िया गुजरते हैं, साथ ही सभी कांवड़ शिविरों में निःशुल्क बिजली देने की मांग की। SDM ने कांवड़ मेले को पोलोथीन मुक्त कराने का आग्रह किया है। इस मौके पर विद्युत विभाग के SDO आनंद कुमार व नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। सभा में थाना प्रभारी OP सिंह ने सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए सहयोग दिया। मुरादनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। आप ये मान के चलिए मुरादनगर पूरी विधानसभा यहाँ की बीच बैठी है, जो भी ये लोग बोलेंगे पत्रकार बंधु माप शक्ति, मैं वैसे बोलने के लिए आया था, बात रखने के लिए आया था। SDM साहब से एक अनुरोध करूंगा कि मेरे पॉइंटों को नोट दे दिया जाए। ये आपने बताया 17 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा का पहला मुख्य रूप जो रोड होगा वो पाइपलाइन रोड होगा। पहला रूट वहां का होगा, फिर एक हफ्ते बाद शुरू होगा, 5-6 दिन बाद शुरू होगा आपका GT रोड पर। मैं परसों पेपर में पढ़ रहा था, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो इसका नक्शा दिया गया मैप बनाया है, किस पॉइंट पे जो है हमारी गाड़ी खड़ी होंगी, कहां कहां हमारे डॉक्टर बैठेंगे, मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने कहां से कैसे सर्वे किया। निवाड़ी से लेके और टीला मोड़ तक 30 किलोमीटर का एरिया बैठता है, इस क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया। यहां कोई भी स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि देहात क्षेत्र बैठता है, हरियाणा राजस्थान का जो कांवड़ी है सबसे पहले घर से निकलता है। मेरा अनुरोध है एक पॉइंट तो जो है तो ये गांवड़ को लेकर जो मीटिंग की है, जो जनता ने कांवड़ियों के लिए जो समस्या रोड की है, ये आपसे डिमांड किया है, ये पेपर तक ही सीमित रहेगा या कार्य भी होगा? कुछ पाइपलाइन जैसे रोड की बात करी है, उस पर कार्य शुरू हो चुका है और जल्दी से जल्दी पूर्ण करा दिया जाएगा। लगातार DM साहब के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, PWD और अन्य विभाग सड़क निर्माण में लगे हुए हैं, उनको ये लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और निश्चित रूप से व्यवस्था अच्छे से अच्छी कराई जाएगी। और बिजली विभाग को लेकर भी जनता की समस्या है काफी। बिजली विभाग के जो भी यहाँ उपस्थित रहे मीटिंग में और जिले स्तर पर जो मीटिंग होती है वहाँ भी अच्छे साहब उपस्थित रहते हैं, और बिजली विभाग ने पूर्व की भांति जैसे पूर्व में भी 6-6 फुट जो है रबड़ वगैरह लगाई है, इस बार भी चूँकि पॉलीथीन बैन है तो रबड़ को जो प्रयोग करेंगे और पूरी व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी, तार वगैरह है उसको भी सही करके। सर, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो है नगर पालिका परिषद जो ये जगह जगह कूड़ा अभियान चला हुआ है, कूड़ा इकट्ठा जैसे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उसके हाइडल के बैक साइड में डला हुआ है, उसमें आग भी लगा दी जाती है। कई बार हमने यो साहब को भी बोला, उनके सामने भी संज्ञान में मामला रहा पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्या इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी? अभी नहीं, आपने अभी ये मामला संज्ञान में आया है मेरे, यहाँ पे कूड़ा इस तरह जलाया जाता है, जो नगर पालिका जो अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं उसे, लेकिन नए जो मोदी नगर को चार्ज दिया गया है तो उनसे कहा जाएगा और ये बिल्कुल सफाई जो है सुनिश्चित कराई जाएगी।